तो भैया आज हमारे सामने खड़ी जैगुआर गाड़ी, जिसको नहीं पता है कौन सा मॉडल, बता देता हूँ, XGL मॉडल है। और इसके अंदर मैसिव 3 लीटर का टर्बो चार्ज डीजल इंजन बैठा हुआ है। अब इतनी बड़ी गाड़ी को पावर करने के लिए इतना बड़ा इंजन होना ज़रूरी है, लेकिन सेडान गाड़ी में बहुत अच्छी बात होती है कि वो रोड से चिपक के चलते हैं। अब इसके टायर के बारे में बात करें तो 19 इंच का मैसिव लो प्रोफाइल टायर है और चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक है। ये लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी है तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई देखने को मिलेगी। अब इसके टायर के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर जैगुआर का लोगो दिया गया, लेकिन ये मूव नहीं करते हैं, फिक्स्ड है। और टायर का प्रोफाइल आप चेक कर सकते हैं कितना चौड़ा टायर दिया गया है। हेडलाइट के बारे में बात करें तो यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए हैं, एलईडी बेस्ड हेडलैम्प दिए गए हैं, रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प नहीं है, एलईडी है। यहाँ पर प्रॉपर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा लाइट दिया गया है, कॉर्नरिंग हेडलैम्प है, यानी जब आप टर्न करेंगे तो ये गाड़ी लेफ्ट या राइट साइड में दिखाएगी, आपको रास्ता दिखाने वाली है। यहाँ पर DRS दिए गए हैं, यहाँ पर फॉग लैंप कहीं पर भी नहीं दिया गया है, सिर्फ एक एयरवेंट दिया गया है। और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही चौड़ी ग्रिल दी गई जैगुआर की, जैगुआर का लोगो यहाँ पर दिया गया है। और साथ में आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर जैगुआर के लिए जैगुआर का बैजिंग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एयरवेंट दिया गया है जो कि नकली है, असली में काम नहीं करता है। यस, असली में काम नहीं करता है। मिरर्स के ऊपर यहाँ पर इंडिकेटर दिए गए हैं और क्रोम फिनिश आगे से लेकर पीछे तक पूरी दी गई है। अब जो डी पिलर है वो ब्लैकआउट किया गया है ताकि ग्लास के साथ वो मर्ज हो सके। अभी सेडान गाड़ी है तो पीछे आपको वाइपर देखने को नहीं मिलेगा, और बम्पर की तरफ आएंगे तो बहुत ही प्यारी लुक यहाँ पर देखने गई। ड्यूल एग्जॉस्ट यहाँ पर दिए गए हैं, साथ में 4 सेंसर दिए गए हैं। अब बूट को खोलने के लिए यहाँ पर कोई भी बटन नहीं आता, बटन जो आता है वो दिखाता हूँ कहाँ पर आता है। वो आता है यहाँ पर, इस बटन को दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अब इसका जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो गाड़ी के अंदर दिया गया, बाहर एक्सपोज नहीं किया गया, तो जितना भी आपको स्पेस मिलता है वो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ट्रे मिलती है उठाने के लिए, नीचे टायर दिया गया और बैटरी यहाँ पीछे लगाई गई है। वाओ, इसको बंद करने के लिए यहाँ पर एक बटन है, इसको दबाएंगे तो ये बूट जो है वो बंद हो जाएगा। टेल लाइट का डिज़ाइन एकदम आगे से पीछे तक आता है, और यहाँ पर इसका जो एक्सटीरियर है बहुत ही प्यारा लगता है। ऊपर की तरफ देखिए, ब्लैकआउट रूफ है। अभी जो ब्लैकआउट है मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली में है क्या। सबसे पहले ड्राइवर की सीट में जाते हैं और ड्राइवर की सीट का जो डोर है, बाप रे बहुत भारी है यार। जो सीट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड हैं, अगर आप चाहें तो इनको ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं, बट अभी गाड़ी बंद है इसलिए ऑन नहीं हो रहा है। इसका जो इंटीरियर है वो आप देख सकते हैं, लेदर के साथ वुड फिनिश में दिया गया है। गाड़ी के अंदर बैठते हैं, बैठना बहुत ही आसान है। अब ये इसका पूरा इंटीरियर है। अब देखिए गाड़ी के अंदर जो डिस्प्ले है यहाँ पर MID के ऊपर, वो भी डिजिटल दिया गया है, ये भी डिजिटल है, और दोनों तरफ जैगुआर का लोगो शो कर रहा है। मतलब ब्रांडिंग के नाम पे बहुत जगह किया गया। अगर यहाँ पर देखेंगे आप जैगुआर लिखा गया है, वहाँ पर आप देखेंगे तो ब्राउन्स बावर्स एंड विकिंस का स्पीकर सिस्टम दिए गए हैं। और एक बहुत बढ़िया चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट अभी, अगर आप इसको पूरा बंद कर देते हैं तो यहाँ से देखिए पूरा चलता हुआ पूरा ऐसे गोल घूमता है। मतलब गोलाई में बहुत ही कम गाड़ियाँ देखी जिसके अंदर डैशबोर्ड गोलाई के अंदर कंप्लीट होता है। और अभी आपको खोल के दिखाता हूँ कि जैसे देखिए यहाँ पर आप दरवाज़ा खोलते हैं तो बहुत ज़्यादा रोड का शोर आता है, लेकिन जैसे ही हम दरवाज़ा बंद कर देंगे तो ये देखिए शोर एकदम बंद हो गया है। सीट को हम थोड़ा पीछे कर लेता हूँ। सबसे पहले सनरूफ के बारे में बात कर लेते हैं। ड्यूल सनरूफ आती है, आगे भी सनरूफ है, पीछे भी सनरूफ है, लेकिन ये वाली जो सनरूफ है ये खुलती है। ये लाइट्स के बटन है जो कि टच है, आपको बटन दबाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर माइक दिया गया है ताकि आप बात कर सकें कोई भी। हाँ, यहाँ पर वैनिटी मिरर दिया गया लाइट्स के साथ, जो आप देख सकते हैं कितना परफेक्टली काम करते हैं। यहाँ भी लाइट्स के साथ वैनिटी मिरर दिया गया है, मतलब कहीं पर भी आप बैठ जाओ, कम्फर्ट के नाम पर बहुत कुछ दिया गया है। और ये जो पैनलिंग की गई है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी की गई है। वुड टेक्सचर दिया गया है या फिर वुड पैनल है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन बहुत ही बढ़िया ग्लॉसी वुड फिनिश आ रही है। ऊपर भी लेदर की अपोस्ट्री दी गई है, नीचे भी लेदर की अपोस्ट्री दी गई है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है टेक्सचर का। यहाँ पर आप मेमोरी फंक्शन देख सकते हैं कि मेमोरी कौन कौन सी मेमोरी फंक्शन ऑन है। यहाँ पर आप देखेंगे मेमोरी 1 सेटिंग सेव्ड, यहाँ पर 2 दबाएंगे 2 सेव हो जाएगी, 3 दबाएंगे 3 सेव हो जाएगी। इसको दबा के अगर मैं कोई बटन दबाऊंगा तो उसके अंदर वो सेव हो जाएगी, लेकिन इसको ऑफ करके अगर मैं 2 दबाऊंगा तो सीट एक्चुअली में मूव करना स्टार्ट करती है। मैं आपको दिखा नहीं सकता कि मूव कैसे करती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया एक कप होल्ड दिया गया है जहाँ पर आप बोतल तो नहीं रख सकते, छोटी वाली बोतल रख सकते हैं, लेकिन आप काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं जो गिरेगा नहीं। स्पीकर सिस्टम यहाँ पर दिया गया, जो वूफर सिस्टम होता है वो ये दिया गया, लेकिन जो ट्विटर्स होते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको बहुत बढ़िया सिस्टम मिलने वाला है। जो यहाँ पर नॉर्मली गाड़ी के अंदर AC वेंट होता है जो शीशे को डिफॉग करता है, वो यहाँ पर दिया गया है, तो आपको कहीं भी एक्सपोज नहीं है। एक बढ़िया चीज़ मेरे को लगी, इसका जो अपॉल्स्ट्री है, जो रूफ लाइनिंग है, वो बहुत ही प्यारी है, वेलवेट स्टाइल में दी गई है। वाओ, देख के बहुत बढ़िया लग रहा है। पार्किंग बटन यहाँ पर दिया गया है, और ये है सनरूफ को कंट्रोल करने के बटन्स। सीट्स के मामले में यार लेदर अपॉल्स्ट्री बहुत बढ़िया की गई है यहाँ पर। अब ये जो चीज़ है, यहाँ से आप इसको
कप होल्डर को खोल सकते हैं। 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर दिया गया है। आईपॉड यूएसबी, मतलब उस टाइम पे आईपॉड आते थे तो उस टाइम पे इन्होंने वैसे बनाया है गाड़ी को। और यहाँ पर एक छोटा सा होल दिया गया है कुछ रखने के लिए। इसको बंद कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर देखें सिगरेट लाइटर दिया गया है, सॉरी यहाँ पर कॉइन होल्डर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, स्पोर्ट्स मोड है यहाँ पर, ये ASL आई डोंट नो, ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ करने का बटन है, ये स्नो के अंदर जो गाड़ी चलती है उसमें बटन है, और जैसे आप गाड़ी को ऑन करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। तो इसका जो स्टार्ट एंड स्टॉप बटन था वो यहाँ पर था, ये छुपा के रखा हुआ है, तो ये बटन था यहाँ पर। और पूरा का पूरा जो डिस्प्ले है वो डिजिटल है यहाँ पर। गाड़ी को ऑन करने के लिए ब्रेक दबाना पड़ेगा, तो शायद हम ऑन कर सकते हैं। ऑन करते मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये कैसे ऊपर आता है। सबसे पहले ऑन करते हैं। वाओ, मतलब जो ड्राइव सिलेक्टर है वो बहुत ही प्यारा लगता है ऐसे ऊपर निकलता हुआ, और जैसे जैसे आप ये बटन दबाएंगे तो वो चेंज होता रहेगा। इसको हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम ऑन कर लेते हैं एसी को। और जो एसी वेंट्स हैं वो एयरक्राफ्ट स्टाइल, मतलब एसी वेंट्स दिए गए यहाँ पर, जो कि काफ़ी बढ़िया लगते हैं देखने में। यहाँ पर ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल है, तो मतलब लेफ्ट वाले को अलग क्लाइमेट मिलेगा, राइट वाले को अलग क्लाइमेट मिलेगा। सनरूफ को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर आप इसको दबाएंगे तो ये आपका वो खुल गया है और ये सनरूफ पीछे चली जाएगी। बग डिफ्लेक्टर दिए गए हैं और ये इससे ज़्यादा पीछे नहीं जाने वाली, तो आप इसको एक वन टच में बंद कर सकते हैं। सब कुछ जो बटन है वो कैपेसिटिव टच के साथ आते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑटोमेटिक डिमिंग IRVM दिए गए हैं। जो ORVM है वो हीटेड तो नहीं लग रहे मुझे, हीटेड तो नहीं लग रहे मुझे किसी भी एंगल से। अब ये जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम काफ़ी बढ़िया लग रहा है। जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो ज़्यादा बेसिक ही है, इतने कोई फैंसी सिस्टम नहीं है यहाँ पर। जितने भी कंट्रोल्स दिए गए वो हैंडल के नीचे दिए गए हैं। और एक और बढ़िया बात लगी मेरे को कि भाई स्टेयरिंग के नीचे जो टेलीस्कोपिक है वो टिल्ट है, वो मैनुअल नहीं है, वो ऑटोमेटिकली देखेंगे तो आप स्टेयरिंग व्हील अपने आप ऊपर आता रहेगा। तो इस एक बटन से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और मेमोरी फंक्शन के साथ आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अब गाड़ी को करते हैं हम लोग बंद। गाड़ी को किया बंद और ये ड्राइव सिलेक्टर नीचे चला गया। अब चलते हैं, आपको पीछे वाली सीट में दिखाता हूँ कि क्या क्या बढ़िया बढ़िया चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। अब ये देखिए जो आगे वाली सीट है मैंने पूरी पीछे की हुई थी, थोड़ा सा बचा हुआ है। उसके बाद भी देखिए स्पेस कितना ज़्यादा है। जूते झाड़ के बैठेंगे और यहाँ पर साइड एयरबैग आता है सीट के अंदर, तो यहाँ पर एयरबैग की बैजिंग दी गई है। अब पीछे बैठने वालों को बहुत बढ़िया कंफर्ट है। लेग स्पेस देखिए कितना ज़्यादा है। अगर ये सीट स्ट्रेट होती तो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो ये ऐसे खुल जाता और आप कुछ भी रख के खा सकते थे। जैसे यहाँ पर दिया गया है, इसको बंद करेंगे तो ऐसे बंद हो जाएगा। जैसे आपको लग रहा होगा ये ऐसे बंद होता है, लेकिन ये ऐसे बंद नहीं होता, ये नीचे जाके बंद होता है। देखिए ये नीचे जाके बंद होता है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ लगी। यहाँ पर डिस्प्ले दिया गया है, इसमें आप कुछ भी चला सकते हैं। एक और बढ़िया चीज़, पीछे वालों के लिए वैनिटी मिरर दिया गया है यहाँ पर विद लाइट्स के साथ दिया गया है। मतलब फैब्रिक भी कितना बढ़िया दिया गया है, यहाँ पर वैनिटी मिरर दिया गया है। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सनलाइट ब्लाइंड दिया गया है, जो कि फैक्ट्री फिटेड है, तो कोई भी इलीगल चीज़ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर देखेंगे सनलाइट ब्लाइंड दिया गया है, ये भी सनलाइट ब्लाइंड दिया गया है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ लगी मेरे को। वही सेम फैब्रिक कंटिन्यू होता हुआ यहाँ तक आ रहा है। एयरबैग हर जगह दिए गए हैं, यहाँ तक कि ग्रैब हैंडल के अंदर भी यहाँ लेदर फिनिश दिया गया, जो कि देखने में बहुत बढ़िया लगता है। अब जो कंफर्ट है उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको दबाएंगे आप तो ऐसे खुल जाएगा ये, और यहाँ पर कप होल्डर्स दिए गए हैं, साथ में USB चार्जर भी दिया गया है। अब यहाँ पर ये ऑक्स केबल भी दी गई है, आप लगा सकते हैं जो पुराने टाइम में आती थी। ये बटन दबाएंगे तो भैया इसके कंट्रोल बाहर आते हैं, जिससे आप स्क्रीन कंट्रोल कर सकते हैं, म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब जो आप इंफोटेनमेंट कर सकते हैं वो यहाँ पर भी कर सकते हैं। और ये चार्ज होता है, यहाँ पर पिंस देखिए ये इससे चार्ज होता रहता है। तो बहुत बढ़िया कंफर्ट है यार, क्या बताएं। अब ये जो सीट है थोड़ी रिक्लाइंड है, तो आराम से आप लेट के जा सकते हैं। एसी वेंटिंग कंट्रोल यहाँ पर दिए गए, और यहाँ पर भी आप ड्यूल जोन का मज़ा ले सकते हैं। मतलब ये चार जोन हो गए, वो वाला बंदा अलग हवा लेगा, ये वाला बंदा अलग हवा लेगा, ये वाला बंदा अलग हवा लेगा, और ये वाला अलग हवा लेगा। तो मतलब हर जगह के लिए अलग अलग हवा है, तो किसी को भी झगड़ने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरे को यहाँ चाहिए मेरे को वहाँ चाहिए। तो सेफ्टी के मामले में जैगुआर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, सेफ्टी वाइज तो बहुत बढ़िया गाड़ी है। बस एक चीज़ आपको दिक्कत महसूस हो सकती है, अगर आप थोड़े से ऊबड़ खाबड़ रास्ते में जाएंगे तो वहाँ पर गाड़ी नीचे से टच होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि लो प्रोफाइल गाड़ी है, सेडान सैलून गाड़ी है, तो वहाँ पर आपको कुछ कुछ दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। लेकिन बाकी जगह आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली। अगर सिटी में रहते हैं तो बहुत ही बढ़िया कम्फर्टेबल गाड़ी है, कोई भी आपको दिक्कत महसूस नहीं रहने वाली। अगर आप इसका ओवरऑल स्लोप देखेंगे तो एकदम एरोडायनामिक्स बनाया गया है इस गाड़ी को, और देखिए कि हवा यहाँ से टच होते हुए उसको कोई फील ही नहीं हुआ कि वो गाड़ी के ऊपर से गई हवा। दिस इज़ अमेजिंग यार।
दिस कार इज अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप वीडियो पसंद आई हो, ऐसी ऐसी गाड़ी देखना चाहते हो, माई मोटर गाड़ी को फॉलो कीजिए। हम आपके लिए ऐसी ऐसी गाड़ियाँ लाते रहेंगे और आप देखते रहिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।